वेलकम टू द क्लासी फूडोफाइल्स किचन। मुझे रोज़ कहीं ना कहीं नई जगह जाने का मन करता है। आज मेरा इटली जाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा इटालियन पिज्ज़ा बना के अपना दिल बहला लेती हूँ। और प्लस मेरे पास इतनी ज़्यादा बेसिल उगी हुई है, इसको भी कहीं यूज़ कर लूँगी। अब मैं आपको पिज्ज़ा की बेस बनानी सिखा रही हूँ, वो भी स्क्रैच से। इट्स नॉट वेरी टफ। ऑल यू नीड इज़ मैदा, रेगुलर फ्लावर, सम सॉल्ट, सम यीस्ट एंड थोड़ा सा पानी। अब सारा खेल इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट का है। ज़्यादा टफ साइंस नहीं है, कुछ प्रोपोर्शंस होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 किलो मैदा ले रहे हो तो 65% वाटर होना चाहिए, जिसका मतलब 650 ml तकरीबन पानी आपको यूज़ करना है। एंड देन उसके अंदर सॉल्ट जाता है काफ़ी, अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 ग्राम आप सॉल्ट डाल सकते हो। एंड यीस्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गेटिंग द राइट ब्रेड। तो अगर आप 1 किलो मैदा ले रहे हो तो आपको तकरीबन 2 से 3% यीस्ट यूज़ करना चाहिए, विच इज़ इक्वलन टू 2-2.5 grams ऑफ यीस्ट। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बेसिक यूज़ कर रही हूँ, मैं 1 किलो मैदा यूज़ कर रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको मेजरमेंट्स बता रही हूँ। आप उसको अकॉर्डिंगली स्केल कर सकते हो। 1 किलो मैदा में अप्रॉक्सीमेटली 6 पिज्ज़ाज बन जाते हैं फुल साइज़। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 12 पिज्ज़ाज बनाने हैं तो यू जस्ट डबल इट। 2 किलो मैदा, 65 + 65 130, मतलब 1.3 liters ऑफ वाटर, अप्रॉक्सीमेटली 5 grams ऑफ यीस्ट एंड सॉल्ट वुड बी अराउंड 60 grams, और थोड़ी सी चीनी भी मैं यूज़ करूँगी। 1 किलो मैदा में 1 चम्मच चीनी जाएगी, 2 किलो मैदा में 2 चम्मच चीनी जाएगी। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि पानी गर्म यूज़ करना चाहिए, ल्यूकॉम, बट मैं यहाँ पे रूम टेम्परेचर पानी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि यीस्ट को ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं पसंद होता है। उसको रूम टेम्परेचर हमें धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे फर्मेंट करना है। तो दिस इज 650 ml ऑफ वाटर। सॉल्ट जाएगा 30 ग्राम, अच्छे से डिजोल्व कर लेंगे पानी में। अब जो यीस्ट होता है ना, उसको सॉल्ट पसंद नहीं होता, ही डजेंट लाइक सॉल्टी वाटर। तो उसको बैलेंस आउट और यीस्ट के लिए फेवरेबल कंडीशंस बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ अपना फ्लावर। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल आप 1 kg फ्लावर यूज़ कर रहे हो तो आपको सिर्फ 100 ग्राम ही फ्लावर डालना है अपने स्टार्टर में। मेक श्योर इसमें लम्ब्स नहीं है। यीस्ट में ऑलमोस्ट 3 ग्राम डालूंगी। ये ऑलमोस्ट 1 चम्मच मैंने इसमें चीनी भी डिजोल्व कर दिया। अब आप चाहो तो स्पैचुला और ग्लव्स यूज़ कर सकते हो, बट सिंस मेरी फैमिली नहीं माइंड करती मेरे हाथ, और उनको मेरे हाथों का स्वाद पसंद है, तो मैं अपने हाथ ही यूज़ कर रही हूँ। अभी हमारा स्टार्टर बन चुका है। अब आपने इस यीस्ट को तंग नहीं करना, इसको एकदम अनडिस्टर्ब्ड एक वॉर्म स्पेस में रख दो। इसको अब हम चेक करेंगे 2 घंटे बाद। अब हम बनाएंगे एक टोमेटो सॉस फ्रॉम स्क्रैच। उसके लिए व्हाट यू नीड टू डू इज, यू नीड अ लॉट ऑफ टोमेटोज ऑफ कोर्स। अब टोमेटोज में कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसे कट्स बना रही हूँ नीचे क्रॉस पे, एंड इनको बॉईल करने डाल रही हूँ, सो दैट जब मैं इनको ब्लांच करूँ और पील करूँ वो ईजिली पील हो जाए। ऐसे क्रॉस बना दिया, अब इसको मैं बॉयल होने डाल रही हूँ। मेरा बस चलता तो मैं टमाटर सीधा इटली से ही मंगाती, बट फिलहाल मुझे, कौन सी मंडी से मंगाए हमने टमाटर, केशवपुर मंडी के टमाटर से काम चलाना पड़ रहा है। अब 1 घंटा हो गया है, हमारा यीस्ट एक्टिवेट हो गया है। इसमें मैं धीरे धीरे करके मैदा डालूंगी, अपना बचा हुआ फ्लावर, और इसे अच्छे से एक डो में बाइंड करूंगी। मेक श्योर कि आप सारा फ्लावर इकट्ठे नहीं डाल रहे हो, धीरे धीरे करके डालेंगे हम। अब मैं इसको अपनी शेल्फ पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसको ऐसे अच्छे से फोल्ड करके देन बाइंड करना है। बहुत ही सॉफ्ट डो लगेगा ये। ये प्रोसेस को कम से कम 10-15 मिनट लग जाते हैं, तो आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी और तसल्ली से आटा लगाना पड़ेगा। अभी हमारा डो एकदम सॉफ्ट हो चुका है। ये डो का एक बॉल बना के इसको परात में रख दो, एंड इसको अच्छे से ऑलिव ऑयल से ग्रीस कर दो। अब आप चाहो तो इसको ऐसे चीज़ क्लॉथ से ढक सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे सेलोफेन शीट से कवर कर दो अच्छे से टाइटली। चलो हमारा डो सील हो चुका है। अब इसको 6 से 8 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख दो एक वार्म प्लेस में।
अभी हमारा पिज्ज़ा डो अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। अब मैं इसकी पिज्ज़ा बॉल्स बनाऊंगी फॉर द बेस। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 6 इक्वल पार्ट्स में। जैसे एक पार्ट हो गया, इसको ऐसे राउंड बना के हम लगा देंगे अपनी बेकिंग ट्रे में, ताकि ये थोड़ी देर और फर्मेंट हो जाए। ये जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं ना, वैसे इसको अंदर ऐसे कर करके यू कैन मेक अ राउंड। अब ये मेरा मस्त पिज्ज़ा बॉल बन गया है। इसको मैं ऐसे ट्रे में लगा रही हूँ और थोड़ी थोड़ी स्पेस पे लगा रही हूँ, सो दैट इनको फैलने की जगह मिले। पिज्ज़ा नंबर 6। अब हम इन पिज्ज़ा बॉल्स को चीज़ क्लॉथ से कवर कर रहे हैं और थोड़ी देर और पूफ होने के लिए रख रहे हैं। इट विल टेक अराउंड 1 to 2 आवर्स। रेस्ट करवाने के लिए रख रहे हैं। चलो, हमारे टोमेटोज ब्यूटिफुली कुक हो चुके हैं। अब हम इन्हें ठंडे पानी में डालेंगे ताकि ये ब्लांच हो जाए और ठंडे हो जाए। अब इन हॉट टोमेटोज को हम कोल्ड वाटर में डालेंगे ताकि ये ठंडे हो जाए और इनका कलर भी रिटेन हो। इसके अंदर पानी भी जाएगा। टमेटोज हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब नाउ वील सिंपली रिमूव द पील। अब समझ आया मैंने क्यों कट्स मारे थे, ताकि ये इजीली ऐसे पील हो जाए। अब इन ब्लांच्ड एंड पील्ड टमेटोज में मैं डाल रही हूँ बहुत सारा गार्लिक। फिर उसके बाद जाएगा फ्रेश बेजिल। अगर आपके पास मेरी तरह फ्रेश बेजिल की खेती नहीं है तो आप ड्राइड बेसिल भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो ऑर्डर भी कर सकते हो बाहर से। अब मेरे पास फ्रेश ओरिगनो नहीं था तो मैं ड्राइड ओरिगनो यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा। इसमें थोड़ी सी आप थाइम भी डाल सकते हो, बट मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता। मैं इसमें सी सॉल्ट डाल रही हूँ। ये गया ऑलिव ऑयल। अब आप अपनी स्पाइस टॉलरेंस के अकॉर्डिंग इसमें स्पाइस डाल सकते हो। मैं ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ। अब इसे हम पल्स कर लेते हैं। मैं इसमें चीनी डालना भूल गई थी, तो ये मैं थोड़ी सी ऊपर से डाल रही हूँ। अभी हमारी टमेटो सॉस रेडी हो गई है। अब सिंस हमने कैंड टमेटोज की जगह इंडियन टमेटोज यूज़ किया है, तो ये थोड़ी टमेटो प्यूरी जैसी लग रही है। अब इसमें आप दो चीज़ें कर सकते हो। एक, यू कैन रिड्यूस इट, थोड़ा सा कुक कर सकते हो। सेकेंड, आप इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर डाल सकते हो, जिससे वो ट्रेडिशनल रेड कलर आ जाएगा और थोड़ा सा स्पाइस भी आ जाएगी। वैसे तो हमारी सॉस रेडी हो चुकी थी, बट सिंस हमें लाल रंग चाहिए तो हम इसको डालेंगे एक पॉट में। ऊपर से डालेंगे रेड चिली पाउडर, क्योंकि हमें स्पाइसी बहुत पसंद है। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि जब हमारा पिज्ज़ा पकेगा तब हमारी सॉस भी पकेगी। हमारी पिज्ज़ा सॉस ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, अच्छा सा कलर भी आ गया है। अब मैं इसको स्विच ऑफ कर रही हूँ। मेक श्योर आप अपने पिज्ज़ा पे कभी भी गरम सॉस ना डालें, वो गलगला हो जाएगा। इसको अच्छे से ठंडा करके देन पिज्ज़ा बेस पे डालना। अब जो मैं सबसे पहला पिज्ज़ा बना रही हूँ वो मैं क्लासिक मोज़रेला एंड टोमेटो सॉस वाला बना रही हूँ। उसके लिए हम मोज़रेला की स्लाइसेस चॉप कर लेते हैं ऐसे मस्त गोल गोल। अब हम फटाफट से और फ्रेश बेसिल तोड़ लेते हैं। ये हम डालेंगे अपने पिज्ज़ा के ऊपर। अब आप यूज़ करने को इसके ऊपर चेरी टोमेटोज भी डाल सकते हो। मेरे पास थोड़ी सी सन ड्राइड टोमेटोज भी हैं, पेस्तो भी है, बट अगर आपके पास ये फैंसी चीज़ें नहीं हैं तो डोंट वरी, हम ये क्लासिक अपना प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, ये सब चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। मशरूम से बहुत अच्छे पिज्ज़ाज बनते हैं, आप मशरूम्स यूज़ कर सकते हो, ब्रोकली यूज़ कर सकते हो। आज मैं दो तरह के पिज्ज़ाज बना रही हूँ। वन इज़ क्लासिक मोज़रेला एंड पिज्ज़ा सॉस वाला, एंड द सेकेंड वन इज़ फ्रेश फार्म हाउस पिज्ज़ा। उसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, आपके घर में जो भी फ्रेश वेजीज अवेलेबल हो, अनियंस, टमेटोज, मशरूम्स, बेल पेपर्स, ब्रोकली, कुछ भी। एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप कुछ भी चिकन मैरिनेट करके डाल सकते हो, चिकन सीख डाल सकते हो, पनीर भी डाल सकते हो। पनीर को अच्छे से मसालों में कोट करके उससे टॉप कर सकते हो, बहुत यम्मी पिज्ज़ा बनेगा। मैं यहाँ पे बेल पेपर्स भी यूज़ कर रही हूँ फॉर माई गार्डन पिज्ज़ा। इससे मस्त
फ्लावर्स बनाती हूँ। चलो गाइस, अब हमारी पिज्ज़ा बॉल्स भी पूफ हो चुकी हैं। जस्ट लुक एट देम, मोटी मोटी हो गई हैं। अब मुझे अगर वीडियो टाइम पे ख़त्म ना करनी होती तो मैं इसको एक घंटा और रखती। वैसे तो मेरा बहुत मन था कि मैं अपनी छत पे एक वुड फायर ओवन बना लूँ, बट अभी के लिए मैं इससे काम चलाऊँगी। इसको हम प्री हीट पे लगा रहे हैं। पिज्ज़ा के लिए ना यू रियली नीड हाई फ्लेम, मतलब हाई टेम्परेचर सेटिंग्स। तो मेरे ओवन की हाईएस्ट सेटिंग इज़ 250 डिग्रीज आई गेस। हाँ, ये 250 डिग्रीज तक जाता है सेल्सियस। तो मैं इसको 250 पे सेट कर रही हूँ, ऊपर नीचे वाली सेटिंग पे, एंड प्री हीट पे लगा देते हैं। आई थिंक यू शुड प्री हीट ओवन फॉर एटलीस्ट 30-40 मिनट्स। ओवन प्री हीट के लिए लग चुका है, अब हम बनाते हैं अपना पिज्ज़ा। अब ये मेरा पूफ्ड पिज्ज़ा बेस, इसको फैलाते हैं। देखो, जो इटालियन पिज्ज़ा होता भी है ना ऑथेंटिक, वो भी इतना गोल नहीं होता, तो प्लीज़ मेरे पिज्ज़ा को जज मत करना। चलो गाइस, हमारी अब पिज्ज़ा बेस बन गई है। इस पे हम लगाएंगे सॉस, इसके ऊपर जाएगा मोज़रेला, फ्रेश बेजल लीव्स। अब इस पे हम डाल देते हैं थोड़े से सनड्राइड टमेटोज। अभी जो मेरी बेकिंग ट्रे है, इस पर मैं जेनरस अमाउंट ऑफ ऑलिव ऑयल लगा रही हूँ, ताकि मेरी पिज्ज़ा बेस इस पर चिपके ना, और दिस ऑयल विल ऑल्सो गिव माई पिज्ज़ा बेस अ नाइस क्रस्ट। ओह, सक्सेस, लुक एट माई ब्यूटिफुल पिज्ज़ा। अब हम इसको कर देते हैं बेक। ये गया अवन के अंदर। चलो जी, सी यू आफ्टर 10 मिनट्स। अबे क्विकली वेजिटेबल्स वाला पिज्ज़ा बना देते हैं। इटालियंस तो डर जाएंगे इतनी सारी सब्जियां देख के, बट हम थोड़ा सा भरा हुआ पिज्ज़ा बनाएंगे। 2-3 मशरूम्स डाल देते हैं। अब एक बना देते हैं डबल चीज़ पिज्ज़ा with lots of mozzarella and cheddar. चलो गाइज, हमारा पिज्ज़ा रेडी हो चुका है, अब इसे निकाल लेते हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेश ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, दिस इज एब्सोल्युटली ऑप्शनल, एंड गार्निश के लिए फ्रेश बेजल लीव्स। अब आपके पास अगर थोड़े से चेरी टमेटोज हैं तो आप वो भी डाल सकते हो, बड़ा अच्छा सा यम्मी सा फ्रेश फ्लेवर आएगा। हमारे सेकंड बैच ऑफ पिज्जा भी रेडी हो गए हैं। डबल चीज, बस नीचे से हो गया। चलो गाइज, मेरी सस्ती ट्रिप टू इटली तो हो गई है। अब आप जाओ ये पिज्ज़ा की रेसिपी ट्राई करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन दबा दो। बाय। मम्मा मिया। ओके बाय, मैं जा रही हूँ।